हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टॉक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रू कॉलर कभी कभी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, वहाँ पर कई जात की एरर्स आती है। तो मैं आज आपको इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और प्रेस कीजिए बेल के आइकन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रू कॉलर को सर्च कर लेना है, उसके बाद उसमें एंटर हो जाना है। और उसके बाद अगर आपका ट्रू कॉलर अपडेट हुआ हो तो आपको यहाँ से सिंपल इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स बग्स फिक्स हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपका ट्रू कॉलर ठीक से काम ना करता हो तो आपके सेटिंग में जाना है और यहाँ पर एप्स एंड नोटिफिकेशंस वाले सेक्शन में जाकर आपको यहाँ पर ट्रू कॉलर को सर्च कर लेना है और ट्रू कॉलर में एंटर हो जाइए। उसके बाद यहाँ पर परमिशंस पर जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपकी कोई भी परमिशंस डिसेबल हो तो आपको उसे एनेबल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू कॉलर को अगर कुछ परमिशंस ना मिली हो तो वो ठीक से वर्क नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर सब एनेबल कर देता हूँ और बैक चले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक बार फॉर स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर चेज को क्लियर कर दीजिए और यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके स्टोरेज को क्लियर कर दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही क्लियर स्टोरेज करेंगे तो आपका ट्रू कलर में से एक बार लॉग आउट हो जाएगा और आपकी जो वहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री होगी वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, वहाँ पर कोई बड़ा डेटा नहीं जाएगा, बस इतना ही कुछ बेसिक डेटा जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके स्टोरेज को क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद सिंपली आपको आपका मोबाइल एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रू कॉलर वापस से ओपन कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।